करना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या ज्ञापन देना? आज का हमारा मुद्दा है कि गरीबों के जो मकान गिराए गए हैं वो असंवैधानिक हैं, कानून के विरुद्ध हैं, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्री है, जमाबंदी है, इंतकाल है, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं। अगर वो इतनी चीजें उनके पास हैं तो अवैध कैसे हो सकती है? नंबर एक, उसकी रजिस्ट्री कैसे, उसका इंतकाल कैसे हुआ, इसकी इंक्वायरी कराओ। नंबर तीन, कि उनको टाइम देना चाहिए था कि इतने टाइम के अंदर हम मकान गिराएंगे, लोग खाली भी कर सकते थे। उसी कॉलोनी के अंदर एक मकान है 3-4 स्टोरी, वो नहीं गिराया गया। सरकार अगर उसको गिरा दे तो आम आदमी पार्टी मान जाएगी कि न्याय है। और जो लोग उठाते हैं अपने, उसको कहते हैं कि ज्यादा फटाने की जरूरत नहीं है, अंदर डाल देंगे। इस गुंडागर्दी को आम आदमी पार्टी नहीं चलने देगी। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट है और इस बात को आखिर तक उठाएगा। 15 दिन के बाद हम लघु सचिवालय के सामने बैठकर परमानेंट धरना देंगे। क्या कहना चाहेंगे, आप भी उनमें से एक है जिनके घर गिराए गए हैं? हाँ जी, ये मेरा घर गिराया गया है जी, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मेरे साथ कुछ लोगों का भी घर गिराया गया है, सभी के साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ इस रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, और मैंने वहाँ पे लेंटर लगाया हुआ था, लेंटर भी डल चुका था, सेटरिंग खुलनी थी उसी दिन, तो DTP साहब RS भट्ट ने सेटरिंग नहीं खोलने दी, ना ही मुझे मैसेज दिया, ना ही कोई नोटिस दिया, और सेटरिंग भी नीचे दबी हुई है। अब सेटरिंग वाला भी मुझे रोज़ दबाव दे रहा है कि भाई मेरे को 10,000 रुपये मेरी सेटरिंग का किराया दे, और जो नुकसान हुआ है मेरा 2,00,000 रुपये का, वो भी भरपाई कर। अब मैं कहाँ से भरपाई करूँगा? DTP साहब उल्टा ये कहते हैं कि अगर आप कोई मुझसे सवाल करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, आपके बीवी बच्चों को जेल में डाल देंगे, आपके पास कोई भी झूठा इलीगल लगा करके उसको जेल में डालेंगे। और मुझे वहाँ से 1 घंटा बंद करके रखा गया, मुझे हार्ट अटैक भी हो गया था, मुझे हार्ट अटैक वहाँ पर थाने वालों ने भी कोई सुनवाई नहीं की। मैं उनसे छूट के साथ के हॉस्पिटल में भाग के गया, वहाँ पर मुझे फर्स्ट एड मिला। वहाँ से फर्स्ट एड मिलने के बाद उनके बस में नहीं थी बात, उन्होंने रेफर कर दिया करनाल ट्रामा सेंटर के लिए। फिर मैं करनाल सिविल हॉस्पिटल में रहा, वहाँ पे भी उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए। फिर मैं रामा हॉस्पिटल के अंदर गया, रामा हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर मेरे को वहाँ से छुट्टी मिली। फिर मेरे को, मैं घर पे गया, मेरे को अब थोड़ी पहले से तबीयत ठीक है। मेरे को सरकार से यही गुहार है कि हमें मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का जीवन जी लें। तो आपने लोन भी लिया हुआ था कुछ? हाँ जी मैडम, मैंने लोन लिया हुआ है। मैंने अपने मिसेज के जेवर गिरवी रख करके लोन लिया हुआ है, ग्रुपों से लोन लिया हुआ है, किसी रिश्तेदारों से लोन लिया हुआ है, फाइनेंस पे पैसा उठाया हुआ है। मेन बात बेटे ये है कि लोन पास कैसे हुआ, रजिस्ट्री के ऊपर, जमाबंदी के ऊपर, इंतकाल के ऊपर, तो बैंक भी दोषी है। बस इंतकाल है, सब कुछ है। तो मुझे तो ये है कि भाई मेरे साथ में जो बिल्डिंग बनी हुई है वो 3 मंजिला इमारत है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, अगर सरकार उस मकान को गिरा दे तो मैं अपने बीवी बच्चों को सड़क पे लेकर के रह लूंगा। मैं सरकार से अपना क्लेम नहीं मांगूंगा। कितनी दूरी है आपके वाले मकान? मेरे मकान से कम सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। 500 मीटर की दूरी पे ये घर नया बन रहा है, अभी नहीं गिराई गई। कोठी बिल्डिंग है, ये 3 मंजिला इमारत है, मनका पैलेस के बिल्कुल साथ ही। ये नेवल गांव में आता है। कोई अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या काम बंद है? देखिए आप ये फोटो देखिए, काम चल रहा है, काम चल रहा है अभी भी। किसी नेता की है ये नहीं मैं जानता कि किसकी है, लेकिन अगर नेता की ही होगी या किसी इनके किसी आदमी की होगी तभी नहीं गिराया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और मेरी जो वो रजिस्ट्री है वो नेवल गांव के अंडर में आती है। जब मेरी रजिस्ट्री नेवल गांव के अंडर में आती है, मैंने उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो नेवल के अंडर में दी है, तो फिर मेरा शहर के अकॉर्डिंग क्यों गिराया गया? मेरी किसी कॉलोनी में नहीं है। जब वहाँ पे मीटर जो लगता है उसमें वेरिफिकेशन नेवल के सरपंच की होती है, किसी MC तहसीलदार की नहीं होती, तो फिर मेरा शहर में कैसे हो गया? वो गाँव में जब रजिस्ट्री कर रहे हैं, या तो रजिस्ट्री करते वक्त हमसे शहर की स्टाम्प ड्यूटी ली जाए, जो शहर के सेक्टरों का रेट है वो रखा जाए वहाँ पे सेक्टर बनाया जाए ताकि कोई भी आदमी आगे आकर के वहाँ पे प्लाट ना ले सके। उस कॉलोनी के अंदर एक लगाया जाए सरकार की तरफ से कि भाई ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, यहाँ पे कोई भी अगर वो बनाएगा मकान वो खुद जिम्मेवार होगा।
लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तानाशाही रोल अपना रहे हैं डीटीपी जी, अपना आरएस भट्ट जी। ये चाहते हैं कि भाई जैसे गब्बर सिंह कहते थे फिल्मों में कि मेरी आवाज़ से 50-50 कोस तक सब लोग डर जाएंगे, अब ये कहते हैं कि मुझसे सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब सड़कों पे कोई नहीं आएगा, गरीब आदमी आएगा इसके अवस्थ में, इसको यहाँ से भगाने के लिए, इसको यहाँ से सस्पेंड कराने के लिए इसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और हम गरीब लोगों का क्लेम देना पड़ेगा। जैसे डीटीपी इतना गरीब लोगों को जांच की मांग करते हैं, मुआवजा देने को। और सबसे बड़ी बात यह है कि 500 मीटर पर जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है वो किस बीजेपी की लीडर की है या सरकार के पसंदीदे व्यक्ति की है, इसकी इंक्वायरी की जाए। उनको जब सारे रिकॉर्ड इनके पास हैं और कहीं ना कहीं सरकार गरीबों के प्रति गलत रवैया अपनाती है, आम आदमी पार्टी दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ा है। और इस प्रकार का बयान देना कि मेरे उससे परछाई से लोग कांपेंगे, वो एक अच्छे अधिकारी का नहीं हो सकता, ऐसा अधिकारी बनने के लायक नहीं होता। आगे विधायक से मांग करते हैं उसके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। जो डीटीपी है ये गुंडागर्दी का आलम है, ये आतंकी है, ये ऐसे लोग हरियाणा में करनाल के अंदर भाईचारा खराब करना चाहते हैं। हमारी प्रशासन से मांग है, यहाँ के जो विधायक जी हैं जो आंख बंद करके सोए हुए हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे आदमी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ फौरन कार्रवाई करे। गरीब आदमी का मकान जो आपने देख लिया कि उसने क्या बने, मुझे बोला है बेचारे ने, वो गए देखो उन्हें लोन लिया है, बिजली पास, मीटर पास, पानी पास, ये सरकार सारा काम जी बिल्कुल काफी देख सकते हैं, लोग काफी परेशान हैं यहाँ पर। गरीबी नहीं हटानी, इन्होंने गरीबी हटाने हैं, इनकी ये नीतियां हैं। अब देख सकते हैं इस समय लोग जो है यहाँ पर डीसी को ज्ञापन देने जाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी रोष जो है लोगों में देखा जा सकता है। कई लोगों के घरों को जिनकी सारे रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी उनको, उनके घरों को अवैध बताकर उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। और आसपास ही सिर्फ 500 मीटर के दायरे में एक और जो बिल्डिंग है वो बनती हुई नजर आ रही है, जिसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और इस समय यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो सारे कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके खिलाफ, उनके साथ जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनके साथ जो है प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर एक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहूँगा कि सालों लग जाते हैं किसी को एक घर बनाने को, ये ले आते हैं बलडोजर बस्तियां डाने को, किसी ने लोन ले कर रखा बेचारे ने। और ये गलत बात है, जब रजिस्ट्री हो रही होती है तब भी इनको पता होता है ना, उसी वक्त रजिस्ट्री ना करने दें। जब कलोनियां बस जाती हैं 5 साल 7 साल निकल जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं ये कलोनी अवैध है। तो बल्कि उस वक्त जिन्होंने रजिस्ट्री की है उनको डीसी साहब को चाहिए पूछें भी आपने रजिस्ट्री 5 साल बाद ये याद आ जाता है। किसी ने लोन रखा है, किसी ने बेचारे ने कि रिश्तेदार से कोई किराए से मकान 1-2 कमरे बना लिए, किसी ने वो आप बढ़ा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। हम सरकार को कहेंगे जिनके मकान तोड़े गए हैं उनको मुआवजा दें और आगे ऐसी घटिया कार्रवाई ना करें, महंगाई पहले ही बहुत है। जी बिल्कुल, पहले किसी भी तरह की कार्रवाई जो है नहीं की जाती है, किसी भी तरह का उनको अंदेशा नहीं दिया जाता है कि जो मकान है या फिर जो जमीन है वो अवैध है, लेकिन उसके बाद जब उनके घर बन लोन ले लेते हैं और लोन भी जब होम उसके लिए अप्लाई किया जाता है तो तरह तरह के जो पेपर्स हैं उनको चेक किया जाता है, रजिस्ट्री को चेक किया जाता है, उसके बाद भी अप्रूवल मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोन के लिए अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद जब मिड कंस्ट्रक्शन एक घर को तोड़ दिया जाता है गरीब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और डीटीपी का जब पीला पंजा चलता है आप देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग जो है बेघर हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि हमारे घर तोड़े गए, लेकिन 500 मीटर दूर एक 3 स्टोरी की बिल्डिंग बन रही है जिसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है। कहना है कि अगर वो बिल्डिंग तोड़ दी जाती है तो हम जो है अपने सड़कों पर आ किस तरह से जो एक आम जनता है, एक आम इंसान है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए थे जिला सचिवालय 12 सेक्टर के अंदर, जहाँ पर वो इन लोगों का साथ देते हुए नजर आ रहे और सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं हूँ कशिश, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।